तो इन्होंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया, मेरे को बुलाया कि आप ब्रेकफास्ट कर लो मेरे साथ। नाउ यू लुकिंग गुड, गुड करो शो। तो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया से आते हैं। हां, मोस्ट ऑफ द सारे इंडिया से आते हैं, क्योंकि यहां पे मिलते भी नहीं है। यहां मिलते नहीं है। हां, तो फिर बोले टेस्ट देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको खाता हूं, फिर बताता हूं आप लोगों को कैसा है। दिखने में तो बहुत टेस्टी है। वो रशिया में आए थे MBBS करने के लिए और तब से वो यहीं पे रह रहे हैं। उन्होंने लोकल से शादी कर ली है, रशियन से, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब चली गई है। रशियन गवर्नमेंट इनको 20,000 दे रही है। इंडिया सलाम अलैकुम अफेश, मोय दुरो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम साइबेरिया रशिया। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं लिस्टवेंका में। आज मेरा सेकेंड डे है लिस्टवेंका में। आज मेरा कुछ स्पेशल प्लान था, एक पास में छोटा सा विलेज है उसको हाइक करने का था और कुछ स्पीड बोर्ड वगैरह लेने का था, बट सब कुछ आज ख़राब हो गया। देखो किस लिए, आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार कंटिन्यूसली। मैं मॉर्निंग का 6 बजे का उठा हुआ हूँ, अभी 8 बज रहे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लग नहीं रहा कि आज बारिश रुकने वाली है। खैर, अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देख रहे हो, पूरा बारिश हो रही है हर जगह और इधर भी पूरा फॉरेस्ट है, इधर भी पूरा फॉरेस्ट है, पूरा माउंटेन और पूरा ऊपर फॉग है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ये मेरा खूबसूरत सा हॉस्टल, बेलका हॉस्टल। अलेक्जेंडर भाई को भी कहीं जाना था, आज वे भी नहीं जा रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो यहाँ खड़े होके बारिश का मजा ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दुब्रो उतरो। प्रियत, प्रियत, का जवाब? गुड, 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 хорошо। कतुला? नॉर्मल है, दोस्त से पागो दोस्त। या, लॉट ऑफ रेन। आज का जो मेरा प्लान था बहुत ही स्पेशल प्लान था, बहुत ही मजा आने वाला था, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ, जब इस टाइप की सिचुएशन आती है, जब चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होना तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अब वेदर ऐसा है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है, तो बस प्रेजेंट को इन्जॉय करो, वेदर को इन्जॉय करो, लोकेशन को इन्जॉय करो। जो प्लान है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना मत सोचो। बट मैंने अभी गूगल पे वेदर फोरकास्ट देखा तो आज और कल पूरा 100% बारिश दिखा रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। मैं इरकुत्स्क में कल रात तक हूँ, कल रात में मेरी ट्रेन है। आई होप शायद कुछ टाइम मिल जाए, थोड़ा बहुत इरकुत्स्क सिटी को एक्सप्लोर कर सकूँ। लिस्टवेंका का दूसरा दिन तो खराब हो ही गया मेरा। आप लोगों ने इधर आगे का व्यू तो देख लिया, आप लोगों को मैं हॉस्टल के पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा दूर दूर तक सब जंगल जंगल, उधर पूरा माउंटेन, कुछ भी नहीं है। बहुत ही नेचुरल व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। यूट्यूब चैनल नियत। तो गाइस, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो कल मेरे हॉस्टल के मेट थे अलेक्जेंडर, वो कहीं चले गए हैं। खैर, मैं जा रहा हूँ, कब तक बारिश का वेट करूंगा। और नई मेंबर आ गई हॉस्टल में, बोल रही मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे को वीडियो में मत लो। ककवास जाबूत Evgenia। तो इन्होंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया, मेरे को बुलाया कि आप ब्रेकफास्ट कर लो मेरे साथ। तो इन्होंने कुछ नॉनवेज बनाया, मेरे से बोला आप ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने बोला मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ लेके आ गई। टॉफी है, बिस्किट है, कोई बिस्किट है, चाय है, कॉफ़ी है। यू वांट कॉफी? नियत, चाय? दोपहर के 3 बज गए हैं, आपको बाहर का दिखाता हूँ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे पल भर में वेदर ऐसा चेंज हो रहा है ना, कोई हद नहीं है। तो काफ़ी टाइम मैंने वेट कर लिया है और अब मेरे लगता है मेरे निकलना चाहिए, नहीं तो फिर मैं इरकुत्स्क पहुंच नहीं पाऊंगा। और मैं इंडिया से अम्ब्रेला लेके आया हूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे मेन बैग में है जो कि इरकुत्स्क में है। मैं अपना मेन बैग इरकुत्स्क के अपने हॉस्टल में छोड़ा हुआ हूं, बस यहां छोटा बैग लेके आया हूं, क्योंकि 1% मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से वेदर चेंज हो जाएगा और पूरे दिन बारिश होगी। तो मैं ये लेके चलता हूं, मैं कोई भी ट्रिप में आता हूं, कहीं भी जाता हूं, मेरे बैग में हमेशा ये पोंचो रहता है। इसको मैं इंडिया से लिया था, 5-6 लिया था, 2-3 बचे हुए हैं। तो पोंचो है, होपफुली शायद ये मेरे को बारिश से बचा ले। अम्ब्रेला का अल्टरनेटिव है, रेन कोट का अल्टरनेटिव है, टू बी ऑनेस्ट। तो उसका मैं खोल के पहन लूँगा और मैं कैमरा यहाँ से बंद कर रहा हूँ, मैं कैमरा यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ से मैं वॉक करके जाऊँगा सीधे मेन रोड, वहाँ से बस लूँगा इरकुत्स्क के लिए। तो आप लोगों को मैं सीधे इरकुत्स्क में मिलूँगा होपफुली। बैग मैंने अपना सब पैक कर लिया है। ओके, गोइंग। नो, नाउ यू लुकिंग गुड, गुड, хорошо। या, अलॉट अलॉट अलॉट, आई रियली लाइक दिस प्लेस। वी गो टुगेदर टू मेन रोड? अरे यार, हर बात पे ट्रांसलेशन यूज करना पड़ेगा इनके साथ। ओके, करो शो, करो शो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं इरकुत्स्क में हूँ। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, कल मैं लिस्टवेंका में था और वहाँ पूरे दिन बारिश हुई, तो मैं कहीं भी नहीं जा पाया, कुछ नहीं घूम पाया। फिर वहाँ से मैं बस लेके वापस इरकुत्स्क आ गया। कल इरकुत्स्क में भी पूरे दिन बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था, तो मैं कहीं भी नहीं गया, कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया। तो मैं कल पूरे दिन का वीडियो और आज के पूरे दिन का वीडियो कॉम्बाइन कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। तो आज मेरा लास्ट डे है इरकुत्स्क में और मेरी रात में 10 बजे की ट्रेन है अगले सिटी के लिए।
साइबेरिया के सबसे बड़े सिटी के लिए जो कि है नोवोसिबिर्स्क। तो आज मैं निकला हूँ इरकुत्स्क सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। इरकुत्स्क में भी काफ़ी सारी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए। लाइक यहाँ बहुत सारे कैथेड्रल्स हैं, चर्चेस हैं, और लोकल मार्केट है, फार्मर मार्केट है, और भी कई चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इरकुत्स्क जो है पूरे रशिया का 25th लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि काफ़ी छोटा शहर है, फिर भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और रशिया में 25th लार्जेस्ट सिटी होने के बाद ये साइबेरिया का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, पांचवा। इस शहर की पॉपुलेशन अराउंड 6 लाख के आसपास है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस शहर में चर्चेस, कैथेड्रल कई सारे हैं, तो मैं सब जगह नहीं जाऊँगा, एक ही जगह जाऊँगा। जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, सबसे ब्यूटीफुल लगा, उसका नाम है कज़ान चर्च या कज़ान कैथेड्रल बोलिए। तो बस मैं ट्रैम लेने जा रहा हूँ पास से, ट्रैम मेरे को डायरेक्ट चर्च के बाहर उतारेगी, चर्च के पास उतारेगी। पूरा शहर ट्रैम के नेटवर्क से भरा हुआ है, हर जगह ट्रैम ही ट्रैम है यहाँ पे। ये है इरकुत्स्क का रेलवे स्टेशन, मैं इसके बाहर आ गया हूँ, यहीं से मेरे को ट्रैम मिलने वाली है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है, इसका कलर आर्किटेक्चर बहुत ही लाजवाब है। जहाँ जहाँ भी ट्रैम का स्टॉप होगा ना, वहाँ ये ऐसा बोर्ड लगा रहेगा, देखो टी लिखा हुआ, टी यानी ट्रैम, उसके बगल में नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन कौन सी ट्रैम रुकने वाली है, 1, 2 और 4A, तीन ट्रैम इस पॉइंट पे रुकेगी, रुकती है। और मेरे को 4A लेनी है जो सीधे मेरे को कैथेड्रल के बाहर उतारेगी। अब देखो 4A आ रही जो मेरे को लेना है, लेकिन इधर जा रही है, तो गलत मत चढ़ जाना, मैं एक बार गलत चढ़ चुका हूँ, मेरे को इस साइड जाना है, राइट साइड जाना है। मेरी ट्रैम 4A भी आ गई है, हर 10-15 मिनट में एक ट्रैम आती है। पूरी ट्रैम खाली, शायद इस पॉइंट के आसपास ही शुरू होती है। Следующая остановка улица Челнокова. Уважаемые пассажиры, फाइनली हम पहुंच गए हैं कज़ान चर्च ऑफ इरकुत्स्क। ये लगभग 125 साल पुराना चर्च है, और जैसे बना था आज तक वैसा ही है। और इस चर्च की खासियत क्या है, इस चर्च का जो आर्किटेक्चर है वो बाइजेंटाइन स्टाइल में बना हुआ है, और ये चर्च इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि इसको रशिया के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक बोला जाता है। कुछ ऐसा चर्च है ये, बहुत ही प्यारा इसका आर्किटेक्चर है, बहुत ही प्यारा इसका एक्सटीरियर, आप देख सकते हो कितना कलरफुल है ये। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं चर्च का इंटीरियर कैसा है। मैं अब कैथेड्रल से वॉक करके सेंट्रल मार्केट जा रहा हूँ, यानी यहाँ की जो लोकल मार्केट है, फार्मर्स मार्केट है, जो भी आप बोलो। इरकुत्स्क जो शहर है, ये 360 साल पुराना शहर है। 18th और 19th सेंचुरी में इरकुत्स्क बहुत ही बड़ा टी का यानी चाय का ट्रांसपोर्टेशन हब हुआ करता था बिटवीन यूरोप और उधर चाइना एंड इंडिया के बीच में। और ट्रांस साइबेरियन जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप है इरकुत्स्क। जो डिस्टेंस है पूरी ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का बिटवीन व्लादिवोस्तोक एंड मॉस्को लगभग 9000 किलोमीटर है, और इरकुत्स्क लगभग बीच में, आप इतना समझ सकते हो। मैं व्लादिवोस्तोक से 4000 किलोमीटर आ चुका हूँ, और अब लगभग 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है मॉस्को तक का, तो लगभग मैं बीच में हूँ अपनी जर्नी के। आधी जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है, आधी बाकी है। इरकुत्स्क से मंगोलिया का बॉर्डर बहुत ही पास है, बस 300 किलोमीटर पे, और जो मंगोलिया का कैपिटल है उलानबातर, वो लगभग 500 किलोमीटर पे है। यार सेंट्रल मार्केट तो मैं जा रहा हूँ, बट बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ खास नहीं किया था। अगर आपको याद हो 3 दिन पहले मेरे को इरकुत्स्क में कुछ इंडियंस मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ पर इरकुत्स्क में 2-3 अच्छे अच्छे प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली मैं इंडिया के बाहर इंडियन रेस्टोरेंट जाता नहीं, अवॉइड करता हूँ, बट आज थोड़ा मन कर रहा है मेरा जाने का, तो चलते हैं कोई फिर इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, देखते हैं। मैं अभी एक यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आया हुआ हूँ, इसका नाम है गंगा रेस्टोरेंट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये, और स्पीकर पे हनुमान चालीसा बज रहा है। इसके इंटीरियर पे पूरा इंडियन कल्चर रिलेटेड कुछ ना कुछ पेंटेड आप देख सकते हो, और यहाँ पे अपना रेड फोर्ट,
हिंदी रूसी भाई भाई। तो ये मेन्यू मेरे पास आ गया है, समोसा 2 पीस 120 रुपये में। मैंने पहले बताया इंडिया के बाहर इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी महंगे होते हैं, तो रशियन में तो लिखा ही है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ड्राई पनीर 320 रुपये, आलू टिकिया 170 रुपये, इंडियन टी 100 रुपये। तो आपको यहाँ मिल सब कुछ जाएगा अगर आप प्योर वेज भी हो तो। पालक पनीर, दाल मखानी, बटर नान, गार्लिक नान, रेट 200 रुपये 300 रुपये कुछ ऐसे हैं। ऐसे थोड़ा सा कॉस्टली, बट एज अ इंडियन रेस्टोरेंट रीजनेबल प्राइस है। बहुत कॉस्टली मैं इसको नहीं बोलूँगा, इंडियन रेस्टोरेंट इंडिया के बाहर ऐसे होते हैं, कई जगह तो इससे भी महंगे होते हैं। जैसे थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, क्योंकि हमारे को अपना सारा जो सर्विस टैक्स वगैरह होते हैं, हमारे वेट वगैरह जो इंडिया से लाने का लगता है, वो सारा कवर करना पड़ता है। ओके ओके ओके। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। तो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया से आते हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ सारे इंडिया से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलते भी नहीं है, यहाँ मिलते नहीं है। तो फिर वो टेस्ट देना बहुत मुश्किल रहता है। अब वैसे भी फूड वेजिटेबल्स यहाँ थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली तो है ही है, और बाकी अवेलेबल भी बहुत कम। हाँ, मिलते जल्दी नहीं, अलग अलग सिटीज से जहाँ पे मिलती है वहाँ से मंगवानी पड़ती है। अच्छा, इसे थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। साइबेरिया इलाका, यहाँ पे लोग जो है मीट के ऊपर ज्यादातर खाते हैं, तो वेजिटेरियन थिंग्स पे तो है नहीं। अब टमाटर आज के टाइम में 4 टमाटर आते हैं 200 रुपये यहाँ पे, 4 टमाटर। हाँ, तो ज्यादातर तो कंजप्शन मीट का ही है यहाँ पे। मीट हो गया, ब्रेड है, ब्रेड हम खा नहीं सकते, हम तो खाते नहीं। हमारी रोटी बनती है, रोटी के लिए आटा वगैरह भी बाहर से मंगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। भाई आपका नाम? अनमोल। अनमोल, कहाँ से आप? इंडिया से। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हैं? तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? ऑलरेडी 4th ईयर है मेरा। 4th ईयर, MBBS कर रहे हैं आप यहाँ पे? MBBS। ओके, स्टूडेंट हैं आप अभी? हाँ जी, हाँ जी। 2 साल बाकी होगा आपका? हाँ जी। अच्छा, यहाँ वेज नॉन वेज दोनों हैं? हाँ जी। और लोकल रशियंस भी आते हैं यहाँ पे? रशियंस भी आते हैं। हमारा बस वो है कि बीफ नहीं है यहाँ पे। हाँ, बाकी हमारा नॉर्मली चलता है जो है कुरिसा के साथ, मतलब चिकन के साथ। हाँ, चिकन और चिकन होगा, फिश फिश भी है। फिश भी है। तो आप यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ, जस्ट हेल्प आउट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरी हॉलीडेज है, फिर है नहीं कुछ करने को यहाँ पे, अभी क्या करना है यहाँ पे। सब मेरे साथ के फ्रेंड्स वो सारे चले गए इंडिया। Okay. और इसका ओनर कौन? इंडियन है। कौन ओनर है इनका? इंडियन है। इंडियन है। ओके ओके। तो अनमोल जी, आपकी लाइफ यहाँ कैसी है? मस्त है, बिना किसी टेंशन के पढ़ना है बस। हाँ, नॉर्मली। और कहीं पे मतलब जैसे एक तरह से ना, इंडिया में फ्रीडम नहीं मिलती हमारे को, घर से बाहर जाओ घंटे घर से बाहर चले गए घर वालों को फोन आ जाता है, कहाँ है तू, वो बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है कि आपको पता है कि हाँ भाई ज्यादा देर रात को बाहर नहीं रहना है, तो उस हिसाब से नॉर्मली ठीक है। यहाँ पे ना कोई क्राइम रेट है ना कुछ है, ये क्राइम वगैरह बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं, कोई रेसिज्म वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बल्कि वो आपको देखते इंडियन है वो तो, और मतलब जैसे होते ना खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, काइंड टाइप के होते हैं हमारे इधर बहुत ज्यादा। अच्छा। और वैसे अगर कभी बाहर चले जाओ, क्लबों में जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी थाली भूल गया, कहाँ गया बातों के चक्कर में। ये कोई थाली है, इसको मैंने ऑर्डर किया है, ये 350 रुपये का है, 350 का। अब क्या क्या है बहुत समझ नहीं आ रहा, आने पर ही पता चलेगा। ये नॉनवेज थाली है 500 रुपये का, और काफ़ी सारे यहाँ पे नॉनवेज डिशेस भी हैं वेज के साथ साथ। नॉर्मली मैं फॉरेन ट्रिप्स में अपने इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जाता हूँ, आपने शायद ही कोई मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट गया हुआ हूँ, लेकिन ये रेस्टोरेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैंने थाली ऑर्डर की है, सबसे पहले इन्होंने ये दिया हुआ मेरे को, ये कॉर्न सूप है, साथ में तंदूरी नान है। आई डोंट नो सूप के साथ तंदूरी नान क्यों दिया है, तो बाकी मेन कोर्स है वो आने वाला है। सूप काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी तीखा भी है, और नॉर्मली इंडियन रेस्टोरेंट दुनिया के हर बड़े शहर में मिल जाते हैं, बट रशिया के इस पार्ट में, स्पेशली साइबेरिया रीजन में, इंडियन रेस्टोरेंट पाना और इंडियन रेस्टोरेंट खाना एक अलग एक्सपीरियंस है। ये हमारा मेन कोर्स भी आ गया, हमारी थाली आ गई, इन्होंने दिया हुआ है ये शाही पनीर है, ये सैलड है, ये दही दिया हुआ है, और ये गाजर का हलवा है, राइस है। तो इसको खाता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को कैसा है, दिखने में तो बहुत टेस्टी है। कुछ रशियंस भी यहाँ पे आ रहे हैं खाना खाने, खाना सही में बहुत टेस्टी है। चलिए अनमोल जी, चलो सर वापस आइए। थैंक यू सो मच, खाना बहुत बढ़िया था, मजा आएगा आगे। और बाकी नॉर्थ वेस्ट जा रहे हो? जी नॉर्थ वेस्ट जा रहा हूँ, मैं गया नहीं, मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए अपना, सेफ ट्रैवल। आप भी अपना ध्यान रखिए यहाँ पे। चलो चलिए ठीक है, ओके भाई, ओके। इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा के मज़ा आ गया। मैं जैसे ही खाना खा के उठा, उस टाइम जो रेस्टोरेंट के ओनर थे वो आ गए, अंकल थे, तो उनसे काफ़ी सारे मेरी बात हुई, बहुत देर तक बातें हुई। वो कैमरे सामने नहीं आना चाहते थे, वीडियो में नहीं आना चाहते, इसलिए वो मैं कैमरे में उनको ला नहीं पाया। फिर तो बहुत कुछ उन्होंने बताया अपने बारे में, शहर के बारे में, और उन्होंने बताया कि
वो यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, 30 ईयर से। वो अब रशियन सिटीजन है और 30 साल पहले 1990s में वो रशिया में आए थे MBBS करने के लिए और तब से वो यहीं पे रह रहे हैं। उन्होंने लोकल से शादी कर ली है रशियन से, उनके एक बच्चे भी हैं, एक लड़का है मतलब उनका। तो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और कह रहे हैं लाइफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पीसफुल है, शहर में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। और उन्होंने बताया, आई डोंट नो सिर्फ इरकुस का था कि पूरे रशिया का था, बता रहे थे जब से कोविड हुआ है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब चली गई है, रशियन गवर्नमेंट इनको 20,000 दे रही है हर 3 महीने में 20,000। और रशिया में जितने भी छोटे शहर हैं, जितनी छोटी सिटीज़ हैं, रशियन गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है वहाँ के लोकल लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। बोले रशियन गवर्नमेंट उनको 8 लाख रुपए दी थी कुछ साल पहले अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट के बिना। फिर उन्होंने बताया कि वो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं इरकुत्स में और उनको एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उनके साथ रेसिज्म हो रहा। बोल रहे हैं यहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है, इसके उल्टा काफ़ी लोकल्स काफ़ी रशियन इंडियन को पसंद भी करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो अब मैं वॉक कर रहा हूँ, पास में सेंट्रल मार्केट है, 6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस भी दिखा रहा है, चलते हैं सेंट्रल मार्केट देखते हैं कैसा है। अब मैं इरकुत्स्क के सेंट्रल मार्केट में आ गया हूँ, ये लोकल मार्केट है इरकुत्स्क की, सबसे बड़ी मार्केट है, इसको सेंट्रल मार्केट तो बोलते भी हैं, फार्मर्स मार्केट भी बोलते हैं। सब जगह यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल बिक रहे हैं यहाँ सेंट्रल मार्केट में, क्योंकि ये पूरे इरकुत्स्क की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे जो लोकल फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्ट आके यहाँ पे सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे सामान आप लोगों को फ्रूट वेजिटेबल जो भी मिल रहा है सब कुछ सबसे सस्ता मिलेगा पूरे इरकुत्स में। लोग यहाँ पे टमाटो 80 रुपए किलो, नॉर्मली सुपरमार्केट में 150-200 रुपए किलो के आसपास मिलता है। यहाँ पे कई वैरायटीज की स्ट्रॉबेरीज मिल रही है, सबका कलर, सबका साइज, सबका शेप अलग है, कोई बड़े बड़े हैं, कोई छोटे छोटे हैं। हर वैरायटीज के फ्रूट एंड वेजिटेबल यहाँ पे मिल रहे हैं जो सुपरमार्केट में नहीं मिलते हैं। प्राइस भी काफी रीजनेबल है कम्पेयर टू सुपरमार्केट। तो ये कॉम्प्लेक्स भी सेंट्रल मार्केट के अंदर ही है, कवर्ड सेंट्रल मार्केट है, कई सारे कियोस्क हैं, शॉप्स हैं यहाँ पे, कुछ बंद भी है पता नहीं क्यों। रशिया के इस रीजन में मीट का कंजप्शन बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ बहुत बड़ी मीट की मार्केट है और यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे प्लांटेशन वेजिटेशन उतना नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए फूड वेजिटेबल यहाँ थोड़े महंगे हैं, मीट सस्ता है यहाँ पे, काफ़ी सस्ता है। इरकुत्स्क के सेंट्रल मार्केट में आके ना सेंट्रल एशिया वाली फीलिंग आ रही है। इस टाइप की मार्केट सेंट्रल एशियन कंट्री में बहुत सारी होती हैं, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में। और ये मार्केट पूरी क्लोथ्स की है, यहाँ पे सब विंटर गारमेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ ठंडी भी ना भाई बहुत तगड़ी वाली पड़ती है, -20, -30, -40 ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे जाता है इसके आसपास के एरिया में, साइबेरिया में। तो कपड़े भी यहाँ बहुत ही गर्म वाले मिल रहे हैं, इंडिया में पहन लोगे ना उबल जाओगे। ताजिकिस्तान रशान बे यूट्यूब का दिन पीसना या यूट्यूब चैनल अभी इंडिया या इंडिया इंडिया दा 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 मुसलमान नियत नहीं मुसलमान नियत कौन दा ताजिकिस्तान कुछ ताजिकिस्तान ने उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान दा ताजिकिस्तान नियत बट सुन सुन जावूत जावूत मुहम्मद मुहम्मद वो इमिया मैं जावूत दा ताशकंदो मैं जावूत तोरवशु तोरवशु या मैंने जावूत तोरवशु तोरवशु यस दा दा दी इंडिया दा हां इंडिया इंडिया अस्सलाम वालेकुम अपेश यस यस यूट्यूब इज इंग्लिश वो बेटा मोय दुरोग इंग्लिश दा वा दुरोग तुम फ्रॉम ओटम दुरोग दुरोग वास दुरोग ओ गुड गुड अस्सलाम चोमेक इंडिया इंडिया यस यू स्पीक इंग्लिश या आई स्पीक इंग्लिश यू फ्रॉम ताजिकिस्तान दुशानबे दुशानबे व्हाट दुशानबे दुशानबे रूबल रूबल हाउ मच कॉम मनी 1000 1000 ये दुरोग दुरुग 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 जितने आप हैं ये सब ताजिकिस्तान से, सब आपस में एक दूसरे से मजा ले रहे हैं। सेंट्रल मार्केट यार बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है।